हेलो बैटल ग्राउंड्स भाई लोग एंड पबजी वीरू चैनल में आपका स्वागत है। तो भाई लोग आज आप लोग को भाई कुछ न्यू सेटिंग के बारे में बताऊंगा भाई। ये सेटिंग अगर ऑन करोगे तो भाई आपका गेम प्ले बहुत ही बेहतर होगा भाई पहले से, ठीक है। कभी कभी आपके गेम प्ले में ऐसा होता है भाई कि आपका फायर बटन टच काम नहीं करता है ब्रो, और आपका जिगल मूवमेंट भी रुक जाता है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो भाई ये सेटिंग आपके लिए भाई बहुत ही ज़रूरी होगा भाई, ठीक है। तो ये सेटिंग के बाद भाई आपको वो सब प्रॉब्लम नहीं होगा भाई, ठीक है। गेम प्ले में अगर ये सब प्रॉब्लम आता है तो भाई आपका गेम प्ले तो ख़राब हो ही जाता है भाई, चाहे आप कितना ही अच्छा प्लेयर क्यों ना हो भाई, ठीक है। तो करते हैं भाई अपन वो सेटिंग ऑन। वो सेटिंग ऑन करने के बाद भाई आपका डिस्प्ले भाई सुपर स्मूथ चलने लगेगा भाई, ठीक है। तो अपन चलते हैं भाई सेटिंग के ऑप्शन पर भाई, ठीक है। सेटिंग में आने के बाद अपन को भाई सर्च करना है भाई सबसे ऊपर में भाई टच, TOCH टच। जैसे ही सर्च करेंगे उसके बाद आएगा भाई टच एंड होल्ड डिले, ये देख लो भाई, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आना है भाई, नीचे भी यही ऑप्शन मिलेगा भाई, ये देख लो भाई टच एंड होल्ड डिले, इस पर भाई करना है क्लिक, ठीक है। उसके बाद आपको तीन ऑप्शन दिखाएगा भाई, देख लो मीडियम लॉन्ग, तो अपन को करना है भाई शॉर्ट, शॉर्ट पर क्लिक करना है भाई, ठीक है। अगर ये सेटिंग अपन करेंगे तो भाई अपना टच और भी फास्ट चलने लगेगा भाई, ठीक है। तो ये हो गया भाई पहला सेटिंग। तो अब करते हैं भाई दूसरा सेटिंग, ठीक है। इसको भी भाई अपने फ़ोन के सेटिंग पर ही ऑन करेंगे भाई, ठीक है। तो इस पर भी सर्च करेंगे भाई सबसे ऊपर में भाई, सर्च करेंगे भाई पॉइंटर स्पीड सेटिंग में ही भाई, ठीक है। ये देख लो भाई POINTER पॉइंटर, जैसे ही ऐसा लिखेंगे आपको दिख जाएगा भाई पॉइंटर स्पीड, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे और एक बार दिखा रहा है भाई पॉइंटर स्पीड, इस पर क्लिक करना है भाई, ठीक है। उसके बाद आपका मीडियम में रहेगा भाई, इसको करना है भाई फुल, ठीक है। फुल करने के बाद आपको कर देना है भाई ओके, ठीक है। तो ये दोनों सेटिंग आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है भाई। अगर आपका टच भाई रुक रुक के चलता है, फायर बटन रुक जाता है, ऐसा प्रॉब्लम होता है तो भाई ये दोनों सेटिंग भाई ज़रूर करना भाई, ठीक है। तो ये दोनों सेटिंग हो गया भाई। उसके बाद चलते हैं भाई BGMI के सेटिंग पर चलते हैं भाई, ठीक है। BGMI में भी भाई ये सेटिंग भाई आपको ऑन करना ज़रूरी है भाई, ठीक है। अगर आपको भाई हेडशॉट अच्छे से कनेक्ट करना है भाई, ठीक है। तो बहुत लोग को पता होगा भाई, अगर जिनको नहीं पता है तो आप ये सेटिंग ज़रूर देख लो भाई, ठीक है। ये सेटिंग की मदद से भाई आपको हेड कनेक्ट करने में आपके लिए भाई आसान होगा भाई, ठीक है। ये देख लो भाई एम असिस्ट, इसको करना है भाई ऑन, ठीक है। इसको ऑन करने में बहुत ही फ़ायदा होगा भाई, ठीक है। उसके बाद नीचे देख लो भाई हेडशॉट साउंड इफेक्ट, इसको भी ऑन करना है भाई, ठीक है। जैसे ही एनिमी को हेडशॉट मारोगे भाई उसका साउंड इफेक्ट अलग ही लेवल का सुनाई देगा भाई, ठीक है। उसके बाद नीचे देख लो भाई और एक एम फीचर है, इसको भी ऑन करना है भाई, ठीक है। देख लो उसके बाद नीचे चलते हैं भाई स्प्रिंट, ये देख लो भाई स्प्रिंट बटन, इसको भी आपको करना है भाई 80 या फिर 100 करना है भाई, ठीक है। इसमें क्या है भाई आपका जिगल क्राउच और भी फास्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये सेटिंग को भी ज़रूर भाई 80 या 100 तक कर लो भाई, ठीक है। तो भाई लोग आप लोग की भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग बताया हूँ भाई, ठीक है। अगर आपके लिए भाई ये हेल्पफुल था ये वीडियो तो भाई लाइक ज़रूर कर दो भाई, और चैनल में नए तो भाई सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दो। तो ठीक है भाई, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है भाई, बाय बाय।